Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. अभी 2024 का first week भी निकल गया है, पता भी नहीं चला कितनी जल्दी ये week निकल गया. 2023 जो हमारा year था वो I guess कि सभी के लिए एक roller coaster ride की तरह था. मैंने जितने भी लोगों से 2023 में बात की थी, सब लोग यही कह रहे थे कि यार चल रहा है, ये साल कुछ ठीक नहीं है, ये साल इतना कुछ खास नहीं है, कुछ बहुत फैंटास्टिक नहीं हो रहा है. पता भी नहीं चला कि वो साल कहाँ कैसे निकल गया. मेरा भी 2023 जो ईयर था वो पूरा अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था, बट कुछ ऐसी लर्निंग्स थी जो कि मैंने सीखी है 2023 में, एंड आई वॉन्ट कि मैं वो सभी लर्निंग्स आप सभी के साथ भी शेयर करूँ. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. ये कोई एकेडमिक वीडियो नहीं है या कोई सिलेबस से रिलेटेड वीडियो नहीं है, बट आई थिंक कि ऐसी वीडियोस का होना भी जरूरी है जो कि हमारी पर्सनल लाइफ में हमें ग्रो करने में मदद करे. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. सबसे पहली चीज जो मैंने 2023 में सीखी है वो ये थी कि कई बार हमारी लाइफ में बहुत क्लोज पर्सन होते हैं, बहुत ही ऐसे पर्सन होते हैं जिस पे हम बहुत विश्वास करते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं, और कुछ ऐसे स्ट्रेंजर्स होते हैं जो कि हमें लगता है इनसे तो हमारी कभी भी नहीं बनेगी. पर ये जो लाइफ का सर्कल है ना, इसमें ऐसा हो सकता है कि आपके जो क्लोज वंस हैं, जिन पे आपने बहुत भरोसा किया है, आपने बहुत ट्रस्ट किया है, वो आपको छोड़कर जा सकते हैं. कुछ ऐसे स्ट्रेंजर्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिनका आपने कभी नहीं सोचा था कि ये मेरी लाइफ का एक पार्ट भी होगा, बट उनके साथ आप इतने अच्छे से लाइन अप हो जाते हो कि वो आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता. अगर मैं आपको अपनी लाइफ का एग्जाम्पल दूँ, मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट पता नहीं ऑटोमेटिकली वो एक बॉन्ड हमारा खत्म होता चला गया. जैसे कोई हमारे बीच में कोई फाइट नहीं हुई, कोई ग्रज नहीं हुआ, बट एक बॉन्डिंग जो है वो कम हो गई. और मुझे कुछ ऐसे भी लोग मिले जो कि मेरे कॉमन ग्रुप में थे, बट अभी नहीं सोचा था कि ये लोग भी मेरे फ्रेंड्स बने. कैसे हम लोग मिले, हमारी बातचीत हुई, हमारी बातचीत बढ़ी, हम लोग कैसे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने, और अब ऐसा हो गया कि हम छोटे से छोटे बात भी शेयर करने लगते हैं. ये चीज़ मैंने सीखी है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो आपके साथ पहले थे, जिनके साथ आपके पहले जैसे बॉन्ड थे, वैसे थ्रू आउट द लाइफ हो. कुछ लोग होंगे जिनके साथ थ्रू आउट द लाइफ आपका बॉन्ड वैसा ही होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ वैसा हो. हर इंसान आपकी लाइफ में एक पीरियड के लिए आता है, एक पर्पस के लिए आता है. एवरी पर्सन कम्स इन योर लाइफ फॉर अ रीज़न. कुछ चीज़ों के लिए आता है, उस टाइम पे कुछ चीज़ आपको सिखाने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाते हैं. तो इसीलिए कोई अगर आ रहा है, कोई अगर जा रहा है, आप कोई आ रहा है तो उसे दिल से वेलकम करो, कोई जा रहा है तो भी कोई ग्रजेस रखने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड थिंग जो मैंने 2013 में सीखी है वो ये है कि इट्स ओके टू गो थ्रू अ पीरियड ऑफ एंग्जाइटी. हम सभी की लाइफ में लोवेस्ट मोमेंट होता है, हमारी सभी की लाइफ में ऐसा दिन होगा या फिर कोई ऐसा टाइम होता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर मंथ ऐसा चल रहा है कि हमें लगता है कि ये हमारी लाइफ का लोएस्ट फेज है. कुछ भी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, ना हमारी रिलेशनशिप्स हमारे अकॉर्डिंग चल रही है, ना हमारी पढ़ाई हमारे अकॉर्डिंग चल रही है, ना हमारे रिजल्ट्स हमारे अकॉर्डिंग आ रहे हैं, ना हमें जॉब मिल रही है, ना हम पास हो रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है. हमें ऐसे लगता है कि हम एक जगह पे स्टक हो गए हैं, और फिर हमारी एक एंग्जाइटी का जो साइकिल होता है वो क्रिएट हो जाता है. बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील होते हैं कि कुछ भी हमारे साथ सही नहीं हो रहा है. एंड लास्ट ईयर पर्सनली मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मुझे लग रहा था कि यार ये मेरी लाइफ का सबसे लोएस्ट फेज है और कुछ भी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है. पर एक चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखो कि आपको उस फेज से गो थ्रू करना है. हम हार मान के नहीं बैठ सकते. आप यू नेवर नो कि वो फेज़ ख़त्म होने के बाद में क्या चीज़ें शुरू होने वाली है. यू नेवर नो. ठीक है, वो थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो पीरियड थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है, थोड़ा ज़्यादा भी स्ट्रेसफुल होता है, और किसी के लिए बहुत स्ट्रेसफुल भी होता है. बट आपको उस फेज से गो थ्रू के साथ साथ ग्रो थ्रू करना है. आपको उस फेज से कुछ ना कुछ सीखना है कि वो फेज आपकी लाइफ में क्यों लाया गया है, क्या लर्निंग्स होनी चाहिए उस फेज के पीछे. तो आपको उस फेज से चीज़ों को सीखते हुए चलना है. तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप कंप्लेन कर लो, या फिर आप रो लो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और या फिर ऐसा है कि आप ये माइंडसेट बना लो कि आपके लाइफ में गोल्स इतने बड़े हैं, आपकी लाइफ में आपका माइंडसेट इतना बड़ा है, आपकी आपके ड्रीम्स इतने बड़े हैं कि आपको ऐसी सिचुएशन से गुजरना ही पड़े. नथिंग वर्थ कम्स ईजी. कुछ भी चीज़ जिसकी वर्थ है वो ईजिली नहीं मिलती. अगर आप आपके माइंडसेट को वैसा रखते हो तो एक चैलेंज की तरह आप चीज़ों को लेकर आगे बढ़ोगे. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है. ये कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ में होता है, चाहे आप अभी पढ़ाई वाले पीरियड में हो, वर्किंग हो, आपकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए, ये जो
चीज है ना, ये चीजें सबकी लाइफ में कभी ना कभी आती है. द थर्ड थिंग दैट आई हैव लर्नड इन 2023 इज चेंज इज नेसेसरी. चेंज बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज कई बार हम चेंज से हेजिटेट करते हैं. हमारे कंफर्ट जोन में इतने ज्यादा यूज हो जाते हैं कि हम उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते. हमें लगता है कि हम इससे बाहर नहीं आ पाएंगे, चीजें हम उसके बाहर कर ही नहीं पाएंगे. पर कंफर्ट जोन हमेशा आपको बांध के रखता है, वो आपको नई चीजें नहीं करने देता, वो आपको अपना ट्रू पोटेंशियल को यूज नहीं करने देता है. तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं मुंबई में इंडिपेंडेंटली रहती थी, अकेले एक फ्लैट लेके मैं अकेली रहती थी उसमें, कोई शेयरिंग नहीं कुछ नहीं. तो मैं अपने हिसाब से चीज़ें करती थी. जब मुझे वीडियोस बनानी होती थी मैं वो बनाती थी, खाना बनाती थी, ऑफिस जाती थी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. उस पर्टिकुलर घर में मैं बहुत ज़्यादा अपने कम्फर्ट जोन के हिसाब से थी. बट कुछ ऐसे इशू हो गए कि मुझे वो घर को छोड़ना पड़ा और मेरी एक फ्रेंड थी उसकी रूम में तभी छोड़ कर गई थी. तो ऐसे बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कुछ और घर को ढूंढना और सारी फॉर्मेलिटीज करना वॉज नॉट पॉसिबल. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके वहाँ शिफ्ट हो जाती हूँ. बट कैसा था ना कि अभी तक मैं इंडिपेंडेंटली रह रही थी, मैं अकेले रह रही थी और जाना कहाँ था कि किसी के साथ मुझे रूम शेयर करना था. और सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि हो सकता है कि आप लोगों का नेचर बहुत ही ऑपोजिट हो, आप लोग नहीं मैनेज कर पाओ, शेयर्ड रूम में मत जा, ऐसा मत कर, वैसा मत कर. मैं बहुत स्केर्ड भी हो रही थी. मैंने मतलब बहुत सोचा. फिर मैंने डिसाइड किया कि छोड़ो यार, फालतू का स्ट्रेस नहीं लेते, हम कोई और घर देख लेते हैं. पर पता नहीं कोई घर वर भी कुछ नहीं मिल रहा था, प्रॉपर नहीं मिल रहा था जैसा मुझे चाहिए था. टाइम मेरा निकलता जा रहा था, मेरा जो नोटिस पीरियड है वो खत्म होता जा रहा था. तो फिर लास्ट में यही हुआ कि चलो कि अभी मैं उसके साथ शिफ्ट हो जाती हूँ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. मैं बहुत स्केर्ड थी, मुझे अपना कंफर्ट जोन को छोड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. मुझे ये चेंज एक्सेप्टेबल ही नहीं था, मतलब मुझे नींद ही नहीं आ रही थी ये सब सोच के कि मैं कैसे चीज़ें अलाइन होगी, कैसे मैं करूँगी, कैसे होगा, क्या नहीं होगा. बट बिलीव मी गाइज, जब मैं वहाँ शिफ्ट हुई तब आई रियलाइज कि यार अभी तक मैं कैसे रह रही थी, हाउ आई वॉज लिविंग अलोन. कैसे एक नई सिटी में अकेले रह रही थी, अकेले घूमती थी, अकेले चीज़ें करती थी. पर जब मैं उसके साथ शिफ्ट हुई, मैं उसके साथ रहने लगी, चीज़ें वो टोटली डिफरेंट. हम दोनों का एक बहुत अलग बॉन्ड बन गया और हम लोग बहुत इन्जॉय करते थे वो जो पीरियड, मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट पीरियड है. तो कंफर्ट जोन से निकलना इज सो इम्पॉर्टेंट है. ऑलवेज रिमेंबर कि कंफर्ट जोन हमें कमज़ोर कर देता है. जब तक हम कंफर्ट जोन में है ना, हम अपने आप को वीक कर रहे हैं, स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को वीक कर रहे हैं, हम अपने आप को पीछे लेकर जा रहे हैं. क्योंकि हम नई चीज़ें करने से, नई चीज़ें लर्न करने से हम अपने आप को रेजिस्ट कर लेते हैं कि नहीं यार छोड़ो, हम जहाँ हैं जैसे हैं ठीक है, पर वो आपकी ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए सही नहीं है. कि जब भी ऐसा महसूस होना कि अब मैं कंफर्ट जोन में आ रहा हूँ, चाहे वो कोई भी जगह हो, आपकी कोई जॉब हो, आपका कुछ भी चीज़ हो, जब भी आपको लगे कि आप कंफर्ट जोन में आ रहे हो, आप वहाँ से भाग जाओ, वरना आपकी ग्रोथ रुक जाएगी. द फोर्थ थिंग दैट आई हैव लर्नड इन 2023 इज वर्क ऑन योर सेल्फ. आपका खुद पर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है. करो आप अपने टाइम को वाइसली यूटिलाइज करो, रीड बुक्स, वॉच वीडियोज, ऐसा कॉन्टेंट आप कंज्यूम करो क्योंकि आपके अंदर वैल्यू एड कर रहा है. क्योंकि आजकल बहुत तरह का कॉन्टेंट अवेलेबल है. आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि जहाँ पर हम घंटों वेस्ट कर देते हैं. थोड़े टाइम के लिए अच्छा होता है कि हाँ एक आध चीज़ देख ली, बट अगर आप पूरा टाइम अपना उसमें लगा रहे हो, आप डेली बेसिस पर अपना टाइम उसमें लगा रहे हो, तो दिस इज़ वेस्ट ऑफ टाइम. आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है उससे. पर अभी अगर आप सही चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट पहुंचाएगा. आपको नहीं पता चलेगा कि वो किस तरीके से आपको हेल्प करेगा, कहाँ आपकी हेल्प करेगा. द फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव लर्नड इन 2023 इज कि आप खुद को जितना ज़्यादा बिजी रखोगे उतना ज़्यादा खुश आप रहोगे. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो कि अपनी लाइफ में बहुत अनहैप्पी हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि उन लोगों के पास इतना फ्री टाइम है फालतू की चीज़ें सोचने का. जितना ज़्यादा आप खुद को बिजी रखोगे, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपका काम है, हमेशा अपने काम को एक प्रायोरिटी दो कि आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी भी अपने काम को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो. या अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई ही वो चीज़ है कि जो कि आपके सारे ड्रीम्स को पूरा करेगी आगे जाकर, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी, सारी चीज़ें होंगी. तो अपनी पढ़ाई को, अपने काम को कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो. इसलिए अपने आप को बहुत बिजी रखो,
ये एक खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्रा है कि अपने आप को इतना बिजी रखो कि आपको टाइम ही ना मिले फालतू की बातों में दिमाग लगाने का। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जिन्होंने मुझे हेल्प की है, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। और आपकी भी अगर कोई लर्निंग्स है या आपकी लाइफ चेंज कर दिया है तो डू शेयर इन कॉमेंट सेक्शन, ताकि किसी और की भी हेल्प हो, ताकि कोई और भी पढ़े, उसके साथ अगर सिमिलर सिचुएशन हुई होगी तो वो भी रिलेट कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।